और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी पटना, जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मीडिया के राष्ट्रीय सह प्रभारी आदरणीय संजय मयूख जी, मीडिया प्रभारी मनोज शर्मा जी, कालिश गोयल जी और यहां पर उपस्थित सभी मीडिया के साथी भी। पिछले 48 घंटों में आपने देखा और इस मंच पर अभी बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम जी भी उपस्थित हैं। आपने देखा कि पिछले 48 घंटों के बिहार के राजनीति की स्थिति को आप लोगों ने देखा। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा कल हम लोगों को प्रस्ताव मिला था कि भारतीय जनता पार्टी हमें सरकार में समर्थन करे। उसके बाद उनका दूत भी हम लोगों के पास आए और हम लोगों ने समर्थन करने का काम किया, क्योंकि जो स्थिति उत्पन्न हुई थी बिहार में, लोकतंत्र संसार हो रहा था, जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का काम किया जा रहा था, जनता दल यूनाइटेड को सरकार में रहकर लोग ये कह रहे थे कि 2024 में जेडीयू समाप्त हो जाएगी। तो सारी स्थिति को आप लोगों ने देखा। बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 1996 में समता पार्टी के साथ गठबंधन करने का काम किया था सर, और लगातार एनडीए बनाकर 96 का चुनाव हो, 98 का चुनाव हो, 99 का चुनाव हो, 2000 का चुनाव हो, 2005 और 5 दूसरा 5 का चुनाव हो, लगातार लड़ती रही एनडीए। और 2005 में जंगल राज को समाप्त करके बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम किया। तो पूर्ण रूप से जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन, अभी हम पार्टी का भी हम लोगों के साथ सहयोग है, निर्दलीय भी एक है, तो सभी लोग मिलकर जो डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश में मोदी जी, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हम बिहार के विकास के लिए काम करेंगे, बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जो अधूरे सपने छूट गए उसको पूरा करने का काम किया जाए। 2020 के चुनाव के बाद के समय हम लोगों ने पूरी तरह संकल्प लिया था, संकल्प घोषणा पत्र में हम लोगों ने डाला था 10 लाख रोजगार देने का, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का कमिटमेंट था, उसको पूरा किया जा रहा है। 2021 में हम लोगों ने 1,75,000 सरकारी नौकरी निकालने का काम किया था और वो प्रोसेस में अभी तक पूरा नहीं हो पाया, उसको पूरा करवाने का काम हम लोग करेंगे। रोजगार भी देने का काम किया जाएगा, बिहार को विकसित तौर पर खड़ा किया जाएगा और रेवेन्यू के स्तर को भी ठीक किया जाएगा कि बिहार में कैसे अधिक से अधिक रेवेन्यू उपलब्ध हो, जिससे कि बिहार के विकास के काम पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, दलित समाज में, किस तरह हम समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति के बीच में विकास की किरण कैसे पहुंचे, इसकी हम चिंता करने का काम करेंगे। इसलिए 2020 के जनमत का सम्मान करते हुए, जो जनता ने सम्मान दिया था भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए के तौर पर आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी थी, इसलिए हम लोग सभी लोग वापस भी आए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी सबके मार्गदर्शन से बिहार विकास की ओर जाएगा और भारतीय जनता पार्टी और मजबूती से लड़ने का काम 2024 और 25 का चुनाव करेगी, जिसमें पूर्ण रूप से एनडीए की सरकार बिहार में भी और देश में भी बनाने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विजय सिन्हा जी से आग्रह करूंगा, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा।
आज बिहार के अंदर जो बड़ा परिवर्तन हुआ है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व पर पूरे बिहार भाजपा के कार्यकर्ता को पूरी तरह से विश्वास है कि आज उन्होंने और आभार व्यक्त कर रहा है कि बिहार को जिस रास्ते पर लेकर के राजद के लोग चला था उससे बचा लिए और राजद की मानसिकता जिस अराजकता का था, सामाजिक उन्माद फैलाने का था, अपराध भ्रष्टाचार बढ़ाने का था, जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने की मानसिकता थी, आज हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर के इस बात को समझे कि जनादेश सुशासन के लिए, शांति के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए है और इसको हमको मजबूत करना है, विकास की गति को डबल इंजन की सरकार मिलकर बढ़ाएगी, ये वातावरण बनाना है। और मैं पुनः अपने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है, ये अवसर पूरी तरह से सेवा का है, मेवा खाने वाले मानसिकता को समाप्त करने का है और एक वातावरण बनाना है जो बिहार के अंदर रचनात्मक और विकासात्मक माहौल को खड़ा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।